So hello, good afternoon everyone. This is your next यूनिट, वो स्टैटिस्टिक यूनिट है. इसमें पहला चैप्टर है वो हिस्टोग्राम एंड ओजिब्स. ओके, तो जनरली क्या होता है, ये तो छोटा सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है. और इसके बाद जो है आपका क्या है, नेक्स्ट जो है बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है. और वो किस पे है, मीन है, मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल है, चार चीजें हैं, ठीक है. तो ये चार चीज जो है बड़ा चैप्टर है नेक्स्ट का, तो वो तो लगभग 4 से 5 लेक्चर्स होंगे, ठीक है. जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये एक में ही खत्म हो जाएगा, राइट. इसके बाद ये हिस्टोग्राम एंड ओजिप्स के बाद फिर वो वाला करेंगे हम, ओके. जिसमें मीन में एक लेक्चर होगा, मीडियन में एक होगा, और क्वार्टाइल में एक होगा, और मोड में एक होगा, ठीक है. चार ऐसे जो हैं लेक्चर्स होंगे. ये ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, ठीक है. ऑलरेडी आप ये टॉपिक को पढ़ चुके हो, हिस्टोग्राम एंड ओजिप्स. क्या होता है, देखिए, हर एक चीज़ को जनरली आप अगर कॉरपोरेट जगह में जाते हो तो सब चीज़ का क्या होता है, एक डायग्राम बनाया जाता है, एक चार्ट बनाया जाता है, ठीक है. और इसके थ्रू अगर आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो लोगों को अच्छे से समझ में आता है, लोग कंपेयर कर पाते हैं कि हाँ पिछले साल क्या स्टैटिस्टिक्स था, इस बार क्या है करके, ठीक है. तो वहाँ पर ऐसे जो है हिस्टोग्राम काम आता है कि चलो पिछले साल 2023 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 2024 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, आगे चल के 2034 में, 10 साल बाद, ठीक है, जिसमें आपका मेन योगदान होगा, इसमें जो है जनरली क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, ओके. तो उस तरीके से हम सब स्टैटिस्टिक्स जो हैं बता पाएंगे, ओके. इससे हम लोग को एक क्लियर जो है व्यू मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग को करना है, ठीक है. नेक्स्ट, तीन चीज से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक है हिस्टोग्राम, राइट, एक है हिस्टोग्राम, और दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और तीसरा है ओजिप्स, ओके, राइट. तो पहला क्या है, हिस्टोग्राम है, वो चीज हम देखते हैं कैसे होता है. हिस्टोग्राम जो है वो एक टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके. तो जो हिस्टोग्राम है वो हमें पूरा 3D वे में नहीं, चीजों को नहीं समझाएगा, ओके. इट्स जस्ट अ 2D, इट्स टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके. वो आप हिस्टोग्राम में क्या होता है, चीजें कंटिन्यूअस भी होते हैं या फिर कभी कभी बीच में कुछ गैप्स भी होते हैं. तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो हमें जानना है, ओके. तो हिस्टोग्राम का जो है मेन स्टेप क्या है, देखिए, पहले तो आपको जो भी क्लास इंटरवल दिया होता है वो आप एक्स एक्सिस में ले लीजिएगा, और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस में ले लीजिएगा, ठीक है. और फिर इस हिसाब से आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है. रेक्टेंगल्स मतलब क्या होगा, उसका जो बेस होगा वो क्लास इंटरवल, क्योंकि क्लास इंटरवल आपने एक्स एक्सिस में लिया हुआ है और वाई एक्सिस में आपने क्या लिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है. तो वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका क्या माना जाएगा, रेक्टेंगल का हाइट माना जाएगा, राइट. हाँ, बेसिस को जो है जनरली क्लास इंटरवल, रेक्टेंगल के बेसिस को क्लास इंटरवल माना जाता है, और उसके फ्रीक्वेंसी को क्या माना जाएगा, हाइट माना जाएगा, ठीक है. कहने का मतलब है, अभी जैसे एक छोटा सा हिस्टोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्लास इंटरवल, ओके. यहाँ पर आप पहला जो है आपको ऐसे टेबल बनाने होंगे, ठीक है, क्लास इंटरवल, ओके, और फिर आपको फ्रीक्वेंसी. बेशक वो क्वेश्चन में दिया है, बट स्टिल यू नीड टू मेक इट, ओके. पहले आपको जो है वही सेम चीज जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है, 10 से 16, ओके. 10 to 16 कितने फ्रीक्वेंसी हैं, 15. 16 to 22 कितने हैं, 23, ओके. 22 to 28 कितने हैं, 30, ओके. 28 से 34 कितने हैं, 20, और 34 से 40 कितने हैं, 16, राइट. तो यहां पर ये चीज आपने ड्रॉ कर लिया. हाँ, ये चीज ड्रॉ करने के बाद देखिए, आप एक चीज देखिए, यहां पर कितने के गैप्स हैं, 6 के गैप्स हैं,
ओके, और यहाँ पर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 30 है। तो आप ऑब्वियसली वाई एक्सिस में 1 2 3 4 लोगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, राइट। दो लेने से भी बहुत बड़ा बनेगा, राइट। तो क्योंकि हम लोग के सारे चीज 16 20 30 23 15 ऐसा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, चीजों को थोड़ा कम करने के लिए 4 का आप रख सकते हो, ठीक है। स्केल जो है 1 यूनिट को आप क्या ले लीजिएगा, 4 cm। तो आप जो भी लेते हैं वो आपको यहाँ पर साइड में लिखना है, एंड इट डजेंट मैटर कि आपने यहाँ पर देखिए 10 से 16 लिया, 6 लिया है, ओके। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पर भी 6 लेना है, स्केल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम में स्केल का ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस जो है सेम होना चाहिए, वाई एक्सिस सेम होना चाहिए, वैसा नहीं है। एक्स एक्सिस आप डिफरेंट स्केल के रख सकते हो, वाई एक्सिस आप डिफरेंट स्केल के रख सकते हो। हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं है कि आपको दोनों जगह सेम स्केल के रखने हैं, ओके। तो इसी को अगर हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ओके। ग्राफ में ड्रॉ करने से आपको एक चीज जो है ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्केल, ओके। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, राइट, स्केल लिखना। तो यहाँ पर आप स्केल लिख दीजिए, रुकिए। ओके, तो स्केल में यहाँ पर लिखना है आपको एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लास इंटरवल होगा वो, ओके। और वो तो क्लास इंटरवल के हिसाब से होगा, तो वो आप मत लिखिएगा, ठीक है, कितना क्या है। क्योंकि आपको देखिए पहले जो है आपको 0 से 10 ले लेना है, फिर 10 से 16 लोगे, फिर 16 से 22 लोगे, वैसा, ओके। तो वैरी करता है वो, तो वो आप बस लिख दीजिएगा एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस में आप लिख लीजिएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 cm, ओके। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 cm, ये आप लिख लीजिएगा, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा क्या क्या टॉपिक है, ओके। यहाँ पर देखिए 10 से 16 है, 16 से 22 है, 22 से 28 है, 28 से 34 है, और 34 से 40 है, ठीक है। तो पहले 0 से 10 तो हमारे कुछ नहीं है, हाँ। तो आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, आप ठीक यहाँ ओरिजिन पॉइंट से आप शुरू नहीं कर सकते, ओके। आपको 0 से 10 जो है कुछ ऐसे जिगजैग देना होगा, राइट। जैसे मैंने जिगजैग दिया है वैसे आप जिगजैग दीजिएगा, इसका भी मार्क है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ओके। ये जो है ये वाला पॉइंट होगा 0 to 10, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है 0 to 10 होगा, ओके। और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या होगा, 10 से 16, ओके। फिर ये पॉइंट जो है वो क्या लिया जाएगा, 16 से 22, फिर ये 22 से 28, और ये वाला जो है आप लोगे 28 से 34, है कि नहीं, 34 तक ही है, नहीं 40 तक है, 34 से 40, फिर ये वाला लोगे आप 34 से 40, समझ में आया, हाँ। और आपको चार चार जो है सीएम के बनाने हैं, ओके। हम लोग यहाँ पर देखिए ये वाला जो है एक ऐसा माना गया है, तो मैं यहाँ पर जो है 4 लिखूंगा, ठीक है, फिर यहाँ लिखूंगा क्या 8, फिर यहाँ लिखूंगा 12, फिर यहाँ 16, इस तरीके से तो हैवी हो जाएगा, ओके। हम लोग को तो कितना तक जाना है, 30 तक जाना है, तो एक काम करते हैं 6 6 का लेते हैं, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, ओके, तो फिर ज़्यादा इजी रहेगा, 6 12 18 24, और यहाँ पर 30, राइट, हाँ। और यहाँ पर जो मैंने 1 यूनिट लिया है वो क्या कर लो, 2 यूनिट ले लो, ओके। क्योंकि ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट है ना, तो 2 यूनिट को मैंने 6 cm लिया है, ओके। तो इस हिसाब से देखिए अब हम लोग प्लॉट करेंगे, ओके। पहले हम लोग देखेंगे, देखो 0 से 10 यहाँ पर कुछ नहीं है, 10 से 16 में आपको देखना है, 10 से 16 में कितने हैं, 15 है, तो यहाँ पर होंगे 15, ओके। तो आप यहाँ से चलिए 15 तक लेके जाइए, ओके। ये हो गया आपका 15, ओके। फिर जब आप
10 to 16 कर रहे हैं तो फिर कितना, ये तो आपने 10 to 16 किया, अगर आप जब 16 to 22 कर रहे हैं तो कितना है, 23 है, तो 23 लगभग इधर आएगा, तो आपको फिर और आगे लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है आपको, ओके, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, ओके, और फिर इसको आप मिला दीजिए, राइट। फिर 16 to 22, ये तो हो गया है कि नहीं। अब 22 से 28 में कितने हैं, 22 से 28 में कितने हैं, 30 है, ओके, तो 30 तक लेके जाओगे, ये यहाँ पर है, ओके, 30 तक यहाँ लेके गया मैंने, और उसको जो है ले आइए यहाँ तक, ओके, ये जो है आपका 30 तक हो गया है ना। फिर 28 से 34, 28 से 34 कितना है, 20 है, 20 लगभग कहाँ आएगा, ये 21 है सोच लीजिए, तो 20 लगभग इधर आएगा है ना, तो आप यहाँ से उसको लेके चलिए, 28 से 34 को आप 20 कितना था, 20 22, 21 था 20, ओके, तो 20 लगभग यहाँ तक आएगा है ना, उसको फिर आप यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से जो है स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए, ये लगभग जो है 20 होगा, ओके, और फिर नेक्स्ट जो है आपका 34 से 40, 34 से 40 कितना है, 16 है, अगर ये 12 है तो ये वाला जो है वो कितना होगा, 15 होगा, इसे थोड़ा और ऊपर तो 16 कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो लगभग यहाँ पर आएगा मेरा 16, ओके, यहाँ पर लगभग मेरा 16 आएगा, ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, ये जो है 34 से 40 कितना है, 16 है, राइट। फिर इसके बाद देखो एक चीज़ है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये ख़त्म हो जाने के बाद आप यहाँ पर रेक्टेंगल में लिख दीजिएगा कि ये कितना है करके, ठीक है, यहाँ पर जैसे 15 था तो आप यहाँ 15 लिख दीजिए, ओके, फिर यहाँ 23 था तो आप यहाँ 23 लिख दीजिए, यहाँ 30 लिख दीजिए, यहाँ कितना था, 20 था, और यहाँ पर 16 था, 16 था ना, तो ये आप लिख दीजिएगा, ओके, राइट, तो आपका क्लियर नोटिफिकेशन है ये जिगजैग लाइन को मत भूलिएगा, ओके, इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ओके, तो आपके जो स्केल्स है आप जब ड्रॉ करोगे वो भी वैसा ही बॉक्स होगा जैसा वैसा बॉक्स जो है बन रहा है ना, इस तरीके का बॉक्स ही आपको बनाना है, थोड़ा इधर उधर हुआ मतलब दिक्कत है, तो आपको स्केल वगैरह सब लेके जाना है, तो ये समझ में आया कैसे हो रहा है, ओके। नेक्स्ट अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, ओके, क्वेश्चन में डिफरेंस आपको पता चला क्या है, हाँ, हमने वैसे ही क्लास इंटरवल का क्वेश्चन किया था पहले भी, लेकिन ये इसमें क्या डिफरेंट है, ओके, डिफरेंट ये है कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, देखिए पहले 30 to 39 है और फिर क्या है, 40 to 49 है, तो हम क्या करेंगे अब, ये एक का जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे, तो दिक्कत हो गया ना, हाँ, तो आपको पहले उसको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है, इक्वल करने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, 1/2, ठीक है, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू, आपको लिखना है डिफरेंस ऑफ, ओके, डिफरेंस ऑफ, ओके, डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट, डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास, ठीक है, माइनस, नहीं अपर लिमिट होगा वो, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ, ओके, और डिफरेंस ऑफ ये जो होता है, नहीं ठीक तो लिख रहा था मैं, हाँ, ओके, लो ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट हम लोग को 40 - 39 करना है, ठीक है, तो ये जो है अपर लिमिट ऑफ क्या होगा, प्रीवियस
क्लास, ओके, यही होगा है ना। हाँ? तो जनरली क्या है, देखिए ये जो है 40, 40 क्या है, लोअर लिमिट है पहले क्लास का, है ना, पहले क्लास का जो है, सेकंड क्लास का सोच लीजिए, लोअर लिमिट है माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, ठीक है। तो ये 40 का प्रीवियस क्लास क्या है, 32, 39, यही जो है ना प्रीवियस क्लास, तो ये आप माइनस करोगे, ओके। तो 40 माइनस 39, क्लियर। राइट, तो यही है फॉर्मूला, 1/2 डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, ओके। तो इसका कहने का मतलब है, देखिए ये जो है एक क्लास माना हमने, ये क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 40 है, इसको आप माइनस करोगे क्या, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास कितना है, 39। तो 1/2 × 1 कितना हुआ, 1/2, दैट इज 0.5। ये आपको फॉर्मूला इतना लगाना ही नहीं है, आप ये सोच लीजिए कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है तो उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है, एक का डिफरेंस का आधा कर दीजिएगा, तो कितना हुआ, आधा हुआ। अब आप सारे क्लास इंटरवल में क्या करिएगा, लोअर लिमिट में आधा घटा दीजिएगा और अपर लिमिट में आधा जोड़ दीजिएगा, ठीक है। वैसा अगर यहाँ पर एक है तो, अगर यहाँ पर सोच लीजिए 32, 39 होके, नहीं होके 32, 35 होता और फिर 37 to 42 होता, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, ओके, 35 और 37, ये बीच में डिफरेंस कितना का हुआ, 2 का, तो 2 का आधा कितना, 1, 2 का आधा 1, तो आपको क्या करना है, 30 में 1 घटा देना है, तो 29 हुआ, 35 में 1 जोड़ देना है, तो ये कितना हो गया, 36, ठीक है, 37 में 1 घटा देना है, तो ये हो गया 36, 42 में 1 जोड़ देना है, तो ये हो गया 43। तो आपको इस तरीके से जो है करना होता है, वो आपके ये में क्या बोलते हैं, जो पहले हमने डायग्राम किया है ना, ओके, वो आप बोलोगे कि ये चीजें क्या हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म में हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में, ओके, और आपको ये वाला चीज जो दिया हुआ है वो इंक्लूसिव फॉर्म में, ओके, तो हम लोग को उसको क्या करना है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, राइट। हाँ, तो अब यहाँ पर अगर मैं ये डायग्राम को फिर से, मतलब ये टेबल को फिर से बनाऊं, तो क्या होगा, आपका यहाँ पर 1/2 आया, मतलब 30 में 1/2 आप कमा दीजिए, तो कितना हो गया, 29.5, और 39 में आपको जोड़ देना है 0.5, तो ये कितना हो गया, 39.5, है कि नहीं, 31.5, ओके। फिर नेक्स्ट 40 से नीचे तो कितना हो गया, 39.5, और 49 से आगे 0.5 जोड़ दीजिए, तो 49.5। फिर ये सिमिलरली 49.5 से 59.5 होगा, फिर 59.5 से 69.5 होगा, ओके, और फिर 69.5 से 79.5 होगा। ये हमने क्लास इंटरवल को आप एक कर लिया, ओके। इसके बाद फिर हम लोग को क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिख देना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना कितना है मुझे बता दीजिए, ओके। फ्रीक्वेंसी है एक का 24, दूसरे का 16, तीसरे का 9, चौथे का 15 और पांचवे का 20, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए बड़े बड़े नंबर है ना, 24 है, 16 है, 9 है, 15 है, 20 है, ठीक है। तो हम लोग जैसे पहले किए थे वैसे ही करेंगे हम लोग ये ग्राफ भी, ओके। तो यहाँ शुरू हो रहा है देखिए 29.5 से, ठीक है, यहाँ पर शुरू हो रहा है 29.5 से, तो आप ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट को आप क्या ले लीजिएगा, 29.5, ओके, 0 से 29.5 तक ये रख लीजिएगा, ओके, ये वाला जिगजैग में, ओके, क्योंकि इसमें हम लोग का हिस्टोग्राम नहीं बनने वाला है, ओके। फिर ये वाला में रख दीजिएगा, ये वाले पॉइंट में क्या रखिएगा, 29.5 से 30.5, नहीं, 39.5, फिर ये वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, 39.5 से 49.5, ठीक है, फिर ये वाले पॉइंट में 49.5 से 59.5, फिर ये 59.5 से 69.5, ओके, और फिर ये 69.5 से 79.5, है कि नहीं, 69 तक था ना। अब देखिए ये कितना है, 24 है, 16 है, 9 है, 15 है और 20 है, तो मैं यहाँ पर स्केल ले लेता हूँ वाई एक्सिस में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वाई एक्सिस में आप मान के चलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 4 cm, ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पर लिया मैंने 4 cm, तो ये सोच लीजिए 1 यूनिट हुआ,
तो इसको मैंने 4 लिख दिया, इसको 8, इसको 12, इसको 16, 20, 24, 28, ऐसा करके मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल है, ओके, ये क्लास इंटरवल है करके लिख दीजिएगा, ओके। 0 से 29.5 आपको कुछ नहीं करना है, 29.5 से 39.5 कितना है, कितना है, ओके, 24। तो आपको यहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, 24 तक लेके जाना है, ओके। फिर ये ले लिया हमने, और फिर यहाँ से तो ये जो है बन गया 24 का। नेक्स्ट 29.5 से 39.5 हो गया, 39.5 से 49.5 कितना है, 16, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना है आपको, ठीक है, और फिर ये इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट 39.5 से 49.5 हो गया, 49.5 से 59.5 9 है, फिर 15 है और फिर 20 है। तो 9 कैसे आएगा यहाँ पर, ये देखिए 4 है तो यहाँ पर लगभग 9 होगा, ओके, ये लगभग 9 होगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, 15 है, ओके, 15 लगभग यहाँ होगा, ओके। नहीं, रुको, ये जो है 15 होगा, ओके, नेक्स्ट फिर क्या है, 20 है क्या, तो 20 फिर इस तरीके से क्या, ओके, ये हमने किया है। तो इस तरीके से आपको जो है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर लिख दीजिए ये कितना था, 24 था, ये कितना था, 16 था, ये 9 था, ये 15 था और ये 20 था, ओके, राइट। अभी अगर आपके पास समय है, ठीक है, मैथ्स में क्लास तो समय है, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा पेंसिल को टेढ़ा करके साथ शेड भी कर सकते हो, ओके, तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो इतना अगर समय है आपके पास, ओके, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत ऐसा शेड कर सकते हो ताकि और अच्छा लगेगा, ओके, है ना। तो दैट वॉज योर हिस्टोग्राम, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नहीं, एक और क्वेश्चन है हिस्टोग्राम में, ठीक है, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा आपको अलग लग रहा है, यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, क्लास मार्क दिया है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो है आपको क्लास मार्क दिया है। तो क्लास मार्क देना है तो कैसे करोगे आप, ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है कि आपके जो क्लासेस में है ये क्लासेस के बीच में डिफरेंस कितना है, ओके। तो ये आपका 16 है, 16 के बाद क्या आ रहा है, 24, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है, तो उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, 8 का आधा मतलब कितना, 4, आप ये 16 से 4 घटा दीजिएगा और 4 जोड़ दीजिएगा और ये आपका बन गया क्या, इंटरवल, ओके। 16 से 4 कमाओगे तो कितना होगा, 12, ओके, और 16 में जो है 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 20, है कि नहीं। तो 12 से 20, समझ में आया कैसे बनाया मैंने क्लास इंटरवल, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दी डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क, ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क इज 10, सो व्हाट विल बी योर क्लास इंटरवल का साइज, ठीक है, 5, ओके, तो 5 आपको पीछे से घटा देना है और आगे जोड़ देना है, राइट, उस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर 8 था तो मैंने 16 में 4 कमा दिया और 4 बढ़ा दिया। अब 24 में भी आपको कोई क्या करना है, वही 4 घटाना है और 4 बढ़ा देना है, तो देखिए आप इक्वल हो गया ना, वही तो हम लोग को करना है, राइट, इक्वल करना है। 32 में फिर 4 कमा दीजिए और 4 बढ़ा दीजिए, ठीक है, फिर 40 में भी फिर 4 कमा दीजिए और फिर 4 बढ़ा दीजिए, ओके। इस प्रकार से 44 से क्या हो जाएगा, 52, और 52 से फिर क्या होगा, 60, और फिर 60 से क्या होगा, 68, ठीक है,
ऐसे आपके कितने बन गए, 7 क्लास इंटरवल बन गए, ठीक है। ये आपके क्या है, क्लास इंटरवल, क्योंकि क्लास इंटरवल का होना जरूरी है, नहीं तो हिस्टोग्राम आप नहीं बना सकते। क्लास इंटरवल नहीं होगा तो हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे? अगर एक पॉइंट दिया होगा तो इसमें कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा मैं, बताइए, तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्यों? हाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपको क्लास इंटरवल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास साइज, क्लास मार्क से हमने क्लास इंटरवल कैसे बनाया पता चला आपको। हाँ, नेक्स्ट आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख दीजिए, आपको ये टेबल बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में देने के बाद भी, ठीक है। 8, 12, 15, 18, 25, 19 और फिर लास्ट में क्या है, 10। ओके, तो ये आपने टेबल बना दिया, आप उसी को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 तक तो कुछ है नहीं, ओके, 0 से 12 तक कुछ है नहीं, तो ये आपको जो है इस प्रकार से ही लिखना है, ठीक है, 0 से 12 कुछ नहीं है करके। ओके, फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 12 से लेके कितना तक, 20, ठीक है, फिर 20 से लेके 28, फिर 28 से लेके 36, फिर 36 से लेके 44, फिर 44 से लेके 52, 52 से लेके 60 और फिर 60 से लेके 68, ये पॉइंट है सारे। हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। हाँ, और यहाँ पर आप फिर देख लीजिए, ये मैंने क्लास इंटरवल लिया है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी लेना है। ओके, फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए कैसे करना है। ओके, सबसे मैक्सिमम इज 25। ओके, और देखिए बहुत सारे ऐसे जो है 5 के टेबल में आ रहे हैं, ओके, तो हम लोग 5 ले लेते हैं, राइट। तो जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर स्केल लिख लेंगे, वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 5 cm। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 cm ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देख लीजिए किसका क्या है, 12 से 20 8 है, फिर 12 है, ओके, आप फिर मुझे बताइएगा कितना कितना है। 8 करेंगे तो फिर कैसे होगा, देखिए शेप में जाएंगे, 8 मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, रुको। ओके, यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा ये कितना होगा, 5, ये 10, 15, 20, 25। ओके, 25 से ज़्यादा है नहीं, तो आप इतना ही लिखिए, ठीक है। अब जो है 0 से 12 तक तो कुछ नहीं है, 12 से 20 कितना था, कितना था, ओके, ठीक है, 8 था, ओके, तो यहाँ तक जाएगा 8, है ना, क्योंकि ये 5 है और 10, बीच वाला जो है 7.5 होगा, तो थोड़ा बस ऊपर, ओके, तो ये जो है 8 हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट कितना है, ये था आपका 12 से 20, 20 से 28 कितना है, 12 है, ओके, तो फिर 12 को लेके जाओ यहाँ तक, ठीक है, ये लगभग 12.5 होगा बीच वाला, तो थोड़ा नीचे बस, ओके, ये लगभग 12 होगा, ओके, ठीक नेक्स्ट, फिर क्या है, ओके, फिर जो है 28 से 36 15 है, ओके, तो 15 तक तो आराम से आप जा सकते हो, पंद्रह के बाद कितना है, 18, मतलब ये बीच वाला है, देखिए 17.5, थोड़ा और ऊपर, ओके, लगभग यहाँ तक लेके गया मैं, ओके, फिर तो ये हो जाएगा आपका 18, फिर नेक्स्ट कितना है, 25 है, ओके, 25 के लिए डायरेक्ट आप लेके जा सकते हो यहाँ पर, ओके, ये आपने 25 तक ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट कितना है,
18 के बाद 25, 25 के बाद 19, ओके। 19 मतलब लगभग यहाँ होगा, ओके। ये 17.5 मतलब थोड़ा नीचे, इतना मान के चलिए, ओके। ये 19 होगा और फिर लास्ट में है 10, ओके। तो ये जो है आपका 10 होगा। बना। तो जो है यहाँ पर फिर आप लिख दीजिए, ये कितना होगा, 8 होगा, 8 था ना, ये कितना है, हाँ 12, ओके। ये जो है 12 था, ठीक है। फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 18 था, फिर 25 ओके, ये 25, ये 19 और ये 10, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये मत छोड़िएगा, यू नीड टू राइट दिस, ओके। क्योंकि अगर इन केस कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो वो जो है एक चेक, जो चेक कर रहा है वो देख लेता है, ठीक है। मतलब उसको एक क्लियर कट एक व्यू मिल जाता है कि हाँ चाह उसने किया तो यही सारे नंबर्स हैं, ओके। थोड़ा अगर ऊपर नीचे आधा एक का कमी होता है तो फिर वो नेगलेक्ट कर लेता है वो चीज़ों को, ओके। हाँ तो आप एटलीस्ट यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, आप क्या ड्रॉ करना चाह रहे हो उसको पता चल जाएगा, कौन सा नंबर आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप लिखे हो 12 और फिर आप ये 5 में कर दिया तो वो दिक्कत है आपको, ठीक है। वो एक दो इस ओके, आप यहाँ 12 लिखते हो और ये जो है ट्रायंगल बनाते हो आप 5 का, ये रेक्टेंगल बनाते हो 5 का, तो फिर तो गलत है, ओके। वैसा में नहीं, आधा एक में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ओके। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन किए हिस्टोग्राम में, और कोई क्वेश्चन नहीं है आपके, ओके। पहले तो हम लोग नॉर्मल वाला किए, ठीक है, जहाँ पर कंटिन्यूस वे में था। फिर जब कंटिन्यूस वे में नहीं था तो हमने उसको सेम लाया, ठीक है। सेम लाने का आपको तरीका पता है, फॉर्मूला नहीं जानोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिफरेंस के हिसाब से आपको करना है, घटाना है और बढ़ाना है, ठीक है। सेम गोज विद दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है क्लास मार्क के डिफरेंस देखना है, जो आपके क्लास मार्क के डिफरेंस होंगे उतना आपको कमा देना, उतना आपको बढ़ा देना है क्लास इंटरवल पाने के लिए, ओके। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस थे आपके हिस्टोग्राम में। नेक्स्ट जो है चैप्टर, मतलब नेक्स्ट आपका टॉपिक ये चैप्टर में है, वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब आपको पता है, हाँ सपोज मैंने बनाया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 10 से, ओके, 10 से 12 जो है मैं कुछ ऐसा किया, ओके, एक जो है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, ठीक है। 10 से 15, 15 से 20, ओके, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। 5 से 10 भी कर देता हूँ और 0 से 5 भी कर देता हूँ। ये जो है मैंने एक वीकली टेस्ट लिया था 40 मार्क का, ओके। और ये जो है मार्क्स हैं जो बच्चों ने लाया है, ओके। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 40 to 40, 35 to 40, ओके। ये स्कूल में टेस्ट एक आपका लिया है, मैंने नहीं लिया, स्कूल में एक टेस्ट लिया था 40 मार्क के, ओके। तो ये आपके परफॉर्मेंस है 0 से 5 में, टोटल आपके स्कूल में सोच लीजिए 70 बच्चे, ओके। आपके क्लास में 70 बच्चे हैं, 0 से 5 ले आए 30 बच्चे, ओके। 30 बच्चे 0 से 5 ला रहे हैं, एक्सीलेंस में नहीं पढ़ते हैं उसी लिए, ठीक है। 5 to 10 जो है 15 बच्चे लाए, ओके, 45, ओके। 10 to 15 में जो है 2 बच्चे लाए, ओके। 15 से 20 जो है मैं 8 बच्चे लाए, ओके, हाँ ओके। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ओके, 20 हो जाता है, ठीक है। 35, 37, 37 और 8 कितना हुआ, 37 और 8 45, ओके। 20 से 25 में 1 बच्चा है बस, ओके। 25 से 30 में 2 बच्चे हैं, ओके। 30 से 35 जो है वो कितने बच्चे हैं, भी 2 बच्चे हैं, ओके। और 35 से 40 एक्सीलेंस में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 20 लाए, ओके। 35 to 40 जो है 20 बच्चे हैं, ओके। तो इस प्रकार से आपका फ्रीक्वेंसी है, ओके। ये कुछ दो चार बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्सीलेंस के, ओके, जो थोड़ा नहीं पढ़ते हैं, और बाकी तो 35 से 40 जो है
मैं जितने भी 20 बच्चे, और कहीं से नहीं है वो, वहीं से है, ठीक है, एक्सीलेंस से ही है, और किसी का जो है इतना यहाँ तक आने का ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है क्या है, क्लास इंटरवल। ओके, तो क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, फिर आपको क्या बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सोच लीजिए ये 20 है तो ये 20 जोड़ दीजिएगा, इसके बाद जब आप बनाओगे तो ये 15 को जोड़ोगे, ठीक है, 20 + 15 हो जाएगा वो 35। इसका कहने का मतलब, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब, 0 to 5 वो नहीं ले रहा, फिर 0 to 10, 0 to 10 में कितने बच्चे हैं, 35। फिर अब वो लेगा 0 से 15, 0 से 15 में कितने हैं, 37। फिर 0 से 20 में कितने हैं, 45, ठीक है, फिर 46, फिर 48, फिर 50 और फिर 70। ठीक है, तो ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको जो है ऐड करते जाना, ठीक है, ऐड जो है आपको करते जाना है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्लियर। इसी पे आपका फॉर्म क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में आपके जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है। ओके, क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजीप्स, ठीक है, कभी कभी जो है उसको ओजीप भी बोला जाता है, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव, ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ओके। और इसका नाम क्या है, ओजीप्स, ठीक है, ओजीप्स है। अब जनरली ये जो आपके सिलेबस में है वो खास करके सिर्फ लेस देन ओजीप्स है, ओके, लेस देन ओजीप्स। ओजीप भी दो प्रकार के होते हैं, ओके, लेस देन ओजीप्स और एक क्या है, मोर देन ओजीप, ठीक है, मोर देन ओजीप और लेस देन ओजीप। लेस देन ओजीप जो है हमेशा ऐसा बढ़ता हुआ रहता है, ठीक है, क्या होता है, हमेशा बढ़ता हुआ रहता है, ठीक है, और मोर देन ओजीप जो है ऐसा घटता हुआ रहेगा। ओके, तो घटता हुआ चीज नहीं है, ओके, सिर्फ जो है चीज क्या है, बढ़ता हुआ, ओके, राइट, समझ में आया। लेस देन ओजीप इज ऑलवेज अ रेज्ड ओजीप, ओके, मोर देन ओजीप इज अ डिक्लाइंड ओजीप, ओके। तो ये बस आपको पूछा जाएगा, ओके, लेस देन ओजीप बनाने के लिए पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या है, क्वेश्चन देखें, क्लास मार्क दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, फिर से यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क के डिफरेंस को देखना पड़ेगा, 12.5 से 17.5, मतलब कितने का डिफरेंस है, 5, ओके, तो 5 का आपको क्या करना है, आधा कर देना है, 5 का आधा कितना होगा, 2.5, आपको 2.5 घटा देना है, 2.5 अपर लिमिट में जोड़ देना है, ठीक है, लोअर लिमिट में 2.5 कम करने से कितना हो जाएगा, 12.5 से 10 हो जाएगा, और 12.5 में बढ़ा दो तो कितना हो गया, 15, ठीक है, फिर 17.5 को कम कर दो तो 15 से कितना हो जाएगा, ये कितना, 20, ओके, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35 और फिर लास्ट में 35 से 40, ठीक है, ये आपके क्लास इंटरवल बन गए, ओके, हाँ 40 से 45 भी है, ओके, राइट। तो आपको समझ में आ गया अभी क्लास इंटरवल कैसे बनाया जाएगा, जब क्लास मार्क दिया होगा, ओके। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 to 15 में 12 है, 15 to 20 में 17 है, फिर 22 है, फिर 27, फिर 30, फिर 21 और फिर 16। फिर इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, ये तो 12 ही रहेगा, इसमें 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29, फिर 29 और 22, 51, 51 और 27, 78, ठीक है, 78 और 30, 108, 108 + 21, 129, 129 + 16, 145, ठीक है, ये बन गया आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल, ओके, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। ये तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, इसी को जो हमने बनाया वही होता है क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके, ये जो है बन गया। ये लगभग देखिए 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी टेबल के 2 मार्क होते हैं, ओके, हिस्टोग्राम के जो है फिर इसको बताना होता है, 1 मार्क होता है, ठीक है, फिर ओजीप, कभी कभी बुक में ऐसा नहीं देगा, हिस्टोग्राम और ओजीप दोनों बनाने के लिए नहीं बोलता है, ठीक है, कोई एक बनाने के लिए बोलेगा,
तो फ्रीक्वेंसी टेबल का 2 मार्क होता है और उसको बनाने का फिर 2 मार्क होता है, वैसे करके 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दो चीज बनाना है, हिस्टोग्राम भी और ओजीपी, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। हिस्टोग्राम आप जो है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाओगे, तो कैसे बनाओगे हिस्टोग्राम वो थोड़ा जो है ध्यान देना, ठीक है, किस प्रकार से हिस्टोग्राम बनाना है। तो ये तो सोच लीजिए मैंने हिस्टोग्राम के लिए बनाया हुआ है, ओके। यहाँ पर मान के चलिए 0 से 10 तो कुछ है नहीं, ओके, तो यहाँ पर 0 to 10 ये वाला होगा, ओके, 0 to 10 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, और फिर 40 से 45, ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं, 45 तक है ना, ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, क्या है क्लास इंटरवल है, यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है, ओके। पहले वाले क्या होंगे थोड़े जो है आप जिग जैग कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 10 आपका क्या है कुछ नहीं है, ओके, 0 to 10 आपका कुछ नहीं है, फिर 10 से 15, ओके, मैं कितना है आपका 12 है, अगर ये 10 है तो ये बीच वाले कितने होंगे 10, और इसके बाद जो है आपके 12, ओके। तो यहाँ पर जो है हम लोग 12 करने वाले हैं, ठीक है, ये होगा आपका 12, ओके, ये जो है आपका 12 रहेगा, ओके। फिर नेक्स्ट कितना है 35, ओके, 35 है, 29 है, ओके, नेक्स्ट 29 कितना होगा देखिए, अगर ये जो है 30 है तो ये नीचे बस जो है थोड़ा और ऊपर, ओके, लगभग इतना, राइट, ये जो है आपका 29 होगा, और फिर ये, फिर नेक्स्ट कितना है जो है 51, ओके, 51 कितना है यहाँ पर आएगा 50, ओके, थोड़ा और ऊपर ले जाइएगा बस, ओके, ये जो है लगभग 51 आएगा, ओके, राइट। अब जनरली क्या है देखो, ये हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो ये बीच में ये वाला लाइन जो है नहीं रहेगा, ओके, ये वाला जो है देखिए, ये वाला जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये नहीं रहेगा, ओके, ये कंटिन्यू रहेगा, ये वाला जो लाइन बीच वाला है ना, ये नहीं रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, ओके, हाँ, अब ये वाला जो है बीच वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये नहीं रहेगा, ओके, क्योंकि ये सब शामिल होने वाला है आगे जाके, इसीलिए हम लोग बीच वाला लाइन जो है काट देंगे, ओके। अब जो है फिर आपको क्या करना है देखिए, नेक्स्ट आपका कितना है 78, ओके, 78 मतलब लगभग 80 से पास पूरा, ओके, एक लाइन पीछे बस, ओके, ये होगा और ये आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे मत लिख के जाओ, ठीक है, ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे जो भी है देखेंगे, 78 हमेशा ऊपर ही जाएगा, वो तो ऐड ऐड होते जाएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो फिर 78 के बाद कितना है 108, 108 विल बी हियर, ओके, जो है इस प्रकार से आपको लेना है यहाँ से 108, ओके, कुछ लगभग यहाँ तक रहेंगे, ओके, फिर जो है इस तरीके से बनाओगे, फिर नेक्स्ट 108 के बाद 129, ओके, 129 यहाँ तक होगा, ओके, थोड़ा बस, और जो है यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर 129 के बाद 145, ओके, 145 विल बी जस्ट इन बिटवीन दिस लाइंस, ओके, यहाँ तक रहेगा 145, ओके, और फिर ये यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ओके, राइट, और फिर जो है ये लास्ट है तो आप फिर उसको, ये समझ में आया किस तरीके से हम लोग को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ओके, ये जो है यहाँ से शुरू करोगे और लास्ट में आपको लाइन एक देना होगा, ठीक है, आपको ऐसे जो है रेक्टेंगल्स नहीं बनाना है, ओके, अलग से, वो तो क्लास इंटरवल में था,
ठीक है, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का बात हो रहा है, मतलब ये सब शामिल होने वाला है, 0 से 45 तक हम लोग पूरा बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका ग्राफ जो है वैसे बनेगा, ओके, हिस्टोग्राम जो है ऐसे बनेगा। अगर इसको मैं ओजीव बनाऊँ तो ओजीव के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जो आपके क्लास इंटरवल है ना, इसके अपर लिमिट, ओके, प्लस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक प्लॉट बनाना है, दैट इज 15, ओके, जो है 15,12 का एक प्लॉट बनेगा, ठीक है, 15,12 का, ठीक है। इसका क्या बनेगा, 20,29 का, ओके, इसका क्या बनेगा, 25,51 का, ठीक है, ये 30,78 का, ओके, फिर ये 35,108 का, और फिर ये 40,129 का, और फिर 45,145 का। इस तरीके से जो है आपको बनाने, राइट। तो यहाँ पर भी आपको 145 लेना है, तो ये जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं वैसे ही लीजिएगा, ओके। यहाँ पर आप कर लीजिएगा कितना, 20 का लीजिएगा, ओके, 20 का लोगे तो ये कितना होगा, यहाँ पर 20, ये कितना होगा, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, ठीक है। 0 से 10 से हम लोग को लेना देना नहीं, ये सोच लीजिए 10 है, ये कर लीजिए आप कितना, 15, ओके, ये कर लीजिए 20, 25, ओके, 30, 35, 40, 45 और 50, ओके। तो आपके क्या क्या प्लॉट्स हैं, ठीक है, 15,12 जो है पहला प्लॉट है, 15 यहाँ पर जो आपके क्लास इंटरवल है, ओके, और 12 आपका फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर ये आपके क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो 15 में 12 प्लॉट करना है आपको, ठीक है। तो 12 कहाँ तक आएगा, ये वाला मेरा पॉइंट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 20,29, ओके, 20,29 कहाँ बनेगा, ये तो 20 और 29 कहाँ पर बनेगा, यहाँ लगभग थोड़ा नीचे बस, ओके, ये जो है पॉइंट बना, सोचो 20,29, नेक्स्ट 25,51, ओके, 25 में आप 51 करोगे, तो ये बीच में है 50, इसमें थोड़ा और आगे, तो ये लगभग होगा 51, राइट। फिर नेक्स्ट कितना है, 30,78, ओके, 30,78 मतलब यहाँ पर आपको लगभग यहाँ तक जाना है, आपको कोने तक, ओके, ये लास्ट लाइन तक जाओगे आप, ठीक है, दैट विल बी 30,78। फिर 35,108, 108 लगभग यहाँ पर होगा, ओके, 108। फिर 40,129, 129 विल बी हियर, ओके, 129, ओके, और फिर 45,145, ओके, 145 कुछ इधर हो, क्लियर। तो इस तरीके से आपको जो है ग्राफ बनाने, अब ये सभी को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ओके, सभी को आपको जोड़ देना है। आपने 45 तक बनाया, और यहाँ पर क्या है, 15, आपका लोअर लिमिट कितना है, 10 है। तो आप जो ग्राफ बनाओगे, ठीक है, आप शुरू करोगे क्या से, 10 से शुरू करोगे, ठीक है, जब आप उसको जोड़ोगे, ठीक है, तो 10 से शुरू करके, ठीक है, इस तरीके से आपको जाना है, फ्री हैंड से आपको करना है, राइट। तो ये हो गए आपके ओजीव, ओके, ये है आपका फ्रीक्वेंसी ओजीव, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजीव, ये आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे ये आपको जो है ध्यान देना है, ओके, ये आपके 7 पॉइंट्स हैं। ये 7 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप श्योरली लिखना, ये जैसे 15, क्या था, 12, ये 20, क्या था, 29, ठीक है, ये 25, क्या था, 51, ठीक है, ये 30, क्या था, 78, ओके, राइट।
फिर ये कितना था, 35,108, ओके, फिर 40,129 और ये 45,145। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने, समझ में आया आपको, हाँ, कि कैसे हिस्टोग्राम बनाना है और कैसे ओजीव बनाना। हिस्टोग्राम वाला बनाने वाले क्वेश्चन आपकी बुक में इस बार नहीं है, ओके। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं वो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, ओके, देना चाहिए, आ भी सकता है, ओके। तो आपको बनाना जानना है बस, ठीक है, ये हिस्टोग्राम है और ये आपको क्या बनाना है, ओजीव, ओके। इट्स अ लेस देन ओजीव, ठीक है, लेस देन ओजीव क्यों, क्योंकि हमारे ग्राफ क्या है, रेज ग्राफ है करके, ओके। तो इस तरीके से आपको सेंस जरूर आता है ये चैप्टर से, ओके। एक क्वेश्चन, नॉट मोर देन वन क्वेश्चन, एमसीक्यू में कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं ये चैप्टर से, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, वो आइदर सेक्शन ए में भी आ सकता है या सेक्शन बी में, मैक्सिमम सेक्शन बी में आता है, ठीक है, सेक्शन ए में नहीं आता है। सेक्शन ए में जो है मीन मीडियन मोड के ऊपर आता है, क्वेश्चन आएगा भी तो, ठीक है। सेक्शन बी में एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन रहता है, वो भी 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ओके। तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर और मोर 4 to 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। 4 मार्क्स से ज्यादा चैप्टर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा इससे, लेकिन जो भी है वो आप अटेंड करके आओगे, ठीक है, मार्क फेचिंग है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन आए वो आपको करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि 15 से 20 मार्क लगभग, ठीक है, सब चीज़ अगर आप मिलाओगे, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाओगे आप, तो कम से कम 15 मार्क, ओके, 15 से 18 मार्क आता है, तो ये यूनिट में आपको पूरा 15 से 18 लाना ही लाना है, ओके। मार्क पैचिंग होता है, ओके, क्योंकि मार्क्स जाने का चांसेस होते हैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में, ओके, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। मेंसुरेशन में एक थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हुआ, गलत हुआ, तो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है मैनेज करिएगा, ओके। वेलकम फॉर अनदर लेक्चर ऑन मीन, ओके, थैंक यू।